नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CISF क्या है और CISF कैसे बने। इसके साथ ही हम इन सभी पॉइंट को भी कवर करेंगे कि जैसे CISF बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, CISF में कार्य क्या करना पड़ता है, इसके लिए आयु सीमा यानी कि एज की लिमिट क्या होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके अलावा इसका जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है यानी कि शारीरिक मापदंड, जैसे कि इसमें हाइट यानी कि लंबाई कितनी मांगी जाती है, चेस्ट यानी कि सीना कितना मांगा जाता है, रेस दौड़ कितनी मांगी जाती है, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद कितनी होती है, हाई जंप और ऊंची कूद कितनी होती है, इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में SSC ने कांस्टेबल GD के पदों के लिए 24,369 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी चल रहे हैं। तो इसमें जो है एक पोस्ट आपकी CISF की भी है, तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि CISF होता क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CISF क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना सर 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं CISF के कार्य के बारे में, इसमें कार्य क्या करना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो काम है सरकारी उद्योगों को यानी कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही प्रमाण संस्थापनों को सुरक्षा प्रदान करना, बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान करना, और आप हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर देखेंगे तो वहां पर भी CISF को ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन में देखेंगे तो वहां पर भी आपको CISF के ही जवान तैनात मिलेंगे। इसके अलावा इन्हें आपदा प्रबंधन और आग प्रबंधन का भी कार्य सौंपा गया है। अब हम बात करते हैं कि CISF में किस किस टाइप की भर्ती होती है। तो इसमें असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेडमैन और कांस्टेबल GD के पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन जो कांस्टेबल GD की वैकेंसी आती है SSC की तरफ से उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि इस समय पे चल रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अन्य पदों पर जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ट्रेड्समैन या ड्राइवर, इन सभी पदों पर वैकेंसी डायरेक्ट जो है CISF इसके लिए नोटिस जारी करता है। जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादातर इसमें वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता की, कि इसमें जो है भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 10th होता है यानी कि हाई स्कूल, अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य पद हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इन पदों के लिए जो है 12th या फिर ग्रेजुएशन तक भी मांग लिया जाता है। और अब हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट यानी कि आयु सीमा कितनी मांगी जाती है। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी जाती है 18 से 23 वर्ष। अगर आप SSC GD के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जिसमें CISF की पोस्ट है तो इसमें भी 18 से 23 वर्ष ही मांगा गया है। तो एज लिमिट जो है इसके लिए 18 से 23 वर्ष होता है, और जो भी इससे ऊपर के पद होते हैं उसमें 25 वर्ष तक भी मांगा जाता है। और इसके अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का और भी छूट दे दिया जाता है। SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यानी कि शारीरिक मापदंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट जो पुरुष कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए होता है 170 सेंटीमीटर, और महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप वहीं पर ST कैटेगरी से हैं तो पुरुष कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और महिला कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। अब बात करें अगर चेस्ट की, तो चेस्ट केवल जो है पुरुष का ही लिया जाता है, जो कि 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद में 50 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का फुला होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पर अगर आप पुरुष जो है ST कैटेगरी से हैं तो आपका सीना अगर जो है 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर है तब भी आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दौड़ की। तो अभी हाल में जो SSC GD कांस्टेबल के अंदर में CISF की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए जो दौड़ यानी कि रेस रखी गई है 4800 मीटर यानी कि 200 मीटर कम 5 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी होगी, जो कि 24 मिनट के अंदर में इसे पूरा करना होगा।
बाकी अन्य पदों के लिए जो है अलग अलग दौड़ का स्टैंडर्ड बनाया गया है। लंबी कूद के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं, जिसमें पुरुष को जो है 12 फीट कूदना होता है और महिला को जो है 9 फीट कूदना होता है। तो इसके लिए जो है 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस में आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। और अब हम बात करते हैं ऊंची कूद की, तो ऊंची कूद में भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसमें पुरुष कैंडिडेट को 9 फीट कूदना होता है और महिला कैंडिडेट को जो है 3 फीट कूदना होता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की, कि इसमें आपको वेतन कितना दिया जाता है। तो इसमें जो वेतन है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक दिया जाता है। ये आपका जैसे जैसे उसमें टाइम बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इससे संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए।